जी हाँ, मध्य प्रदेश सहित देश भर में बर्ड फ्लू से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि एक बर्ड फ्लू ने जिस तरह प्रदेश में दस्तक दी है उसके बाद हड़कंप मच गया है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में हड़कंप मचा है और प्रदेश में 150 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। भोपाल के वन विहार में अलर्ट घोषित किया गया है। मंदसौर में 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। इंदौर, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पक्षियों का कच्चा मांस खाने से मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह कौओं की मौत हुई है उसके बाद हड़कंप मच गया है। उनमें एक घातक वायरस पाए जाने की खबर के बाद अब राज्य सरकारों ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में इंदौर में ही अकेले 154 कौओं की मौत हो जाने से शहर का चिड़ियाघर सर्विलांस पर रखा गया। मंदसौर में 170, खरगोन में 15, आगर मालवा में 112 और सीहोर में 9 कौओं की मौत हो गई है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, अभी कोरोना का संकट खत्म भी नहीं हुआ है और एक नई मुसीबत बर्ड फ्लू के नाम से आमद हो चुकी है मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा, कोरोना का संकट चल रहा था। कोरोना के संकट से धीरे धीरे हम अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच एक और महामारी बर्ड फ्लू के नाम से अब पूरे देश में फैलने लगी और मध्य प्रदेश भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे सबसे पहले पक्षी ही प्रभावित होते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों को, हम लोगों को, आम लोगों को भी इस पूरे फ्लू से बहुत अधिक खतरा है, क्योंकि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, जो मांसाहार खाते हैं, पक्षियों का मांस खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पूरी बीमारी से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। जिसके मद्देनज़र जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं मध्य प्रदेश के, मंदसौर, खरगोन, आगर मालवा, इंदौर, यहाँ पर ये हिदायत भी दी गई है कि जो मांस और मच्छी की जो दुकानें है उनको बंद किया जाए ताकि जो बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है उससे बचा जा सके। हालांकि पशुपालन विभाग इसको लेकर अलर्ट है, भोपाल के वन विभाग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। ये अधिकारियों को ये बताया गया है कि अगर कहीं पे भी पक्षियों की मृत पक्षी मिलते हैं तो उसकी तुरंत जानकारी जो है पशु चिकित्सालय को दी जाए या पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको दी जाए। वहीं जगह जगह पर जो बाउल रखे जा रहे हैं दीपक, जिनमें एक दवाई मिश्रित की जा रही है, बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक दवाई रख के जगह जगह पेड़ों पर या फिर ऊंचाई वाली जगह पे जहां पे वो पक्षी आकर पानी पी सके और उस पानी के अंदर दवाई मिलाई गई है ताकि इस पूरे खतरे से कहीं ना कहीं बचा जा सके, एक एंटीबायोटिक पक्षियों को इसी माध्यम से दिया जा सके। हालांकि इस पूरी जो बीमारी है इसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है और तमाम तरीके की जो सावधानियां रखी जा सकती हैं उस पर काम शुरू हो गया है। भोपाल की ही जो आनंद नगर स्थित एक लेबोरेटरी है वहां पर इस वायरस की जांच भी चल रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरी बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकेगा। दीपक, धन्यवाद वासु इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, बर्ड फ्लू जो कि एक पक्षी से दूसरे में फैलता है, H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो तेजी से फैलता है और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। एक पक्षी से दूसरे में दाखिल होता है। इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ, बुखार आना, सिरदर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, बेचैनी होना, कफ, डायरिया, ये इसके लक्षण हैं। बर्ड फ्लू से आखिर कैसे बच सकते हैं? देखिए, पहला फेज है, इंसानों को बीमार होने से रोका जाता है पहले फेज में। इधर पहले फेज में प्री पैंडेमिक होता है। सेकेंड फेज में संक्रमण के सोर्स का पता लगता है, वायरस की रोकथाम की व्यवस्था की जाती है और सेकेंड फेज में संक्रमण के सोर्स का पता चलते ही उसको रोकने की कोशिश होती है। थर्ड फेज की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की कोशिश होती है।